कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर पाक सेना और नवाज सरकार आमने सामने आ गई लगती हैं। जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। पाक में सेना अब नवाज सरकार पर जाधव की फांसी के मामले में न झुकने का दबाव बना रही है। ऐसे में देखना होगा कि पाक सरकार का इस मामले में अगला कदम क्या होगा। उधर भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में जाधव कहाँ है और किन हालात में है, इसके बारे में उसे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। दरअसल भारत ने इस मसले पर 16 बार जाधव के काउंसलर एक से इसकी मांग की थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की। भारत की अपील पर कोर्ट ने जाधव की फांसी पर स्टे लग दिया है। अब इस मामले में 15 मई को सुनवाई होगी। जाधव की फांसी रुकने से भारत में एक और खुशी की लहर है, तो वहीं पाकिस्तान का माहौल गर्म हो चुका है। एक बार फिर पाकिस्तान की सेना और सरकार आमने सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना नवाज सरकार पर दबाव बना रही है कि कुलभूषण के मामले पर झुकने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ICJ के किसी भी सवाल का उचित स्तर पर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज ने कहा कि पाकिस्तान भारतीय नागरिक जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के संदर्भ में ICJ के अधिकार क्षेत्र का विश्लेषण कर रहा है। अजीज ने कहा कि पाकिस्तान अगले कुछ दिनों में बयान जारी करेगा। अजीज ने कहा, हम भारतीय याचिका और इस मामले में ICJ के अधिकार क्षेत्र का विश्लेषण कर रहे हैं।